राजनीति की खबर। हर शहर की खबर। हर वक्त की खबर। प्रतापगढ़ जनपद में वेतन के बदले सिपाही की हुई पिटाई। एसपी ऑफिस में सिपाही शिवबरन सिंह की पिटाई का मामला सामने आया है। बड़े बाबू पर घायल सिपाही ने लगाया है मारपीट का आरोप। चेहरे पर चोट के निशान लिए सिपाही ने बताई अपनी व्यथा। एसपी के आदेश के बावजूद बाबू ने दिखाई अपनी दादागिरी। घायल सिपाही पुलिस लाइन में है तैनात। बताया जा रहा है कि पीड़ित सिपाही का साल 2016 से रुका हुआ है वेतन। एसपी के आदेश के बाद भी सिपाही को नहीं मिला वेतन। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय जानकारी लेने पहुंचा था पीड़ित सिपाही। मारपीट के दौरान कार्यालय में मचा रहा हड़कंप। एसपी ऑफिस में एएसपी पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी जनता की समस्याओं की कर रहे थे सुनवाई। इस घटना से मौजूद फरियादी सहमे रहे। घंटे भर चले हंगामे के बाद सिपाही को ले जाया गया पुलिस लाइन। मारे ठूसों के। कौन मारा? यही बाबू वगैरह सब मिलकर के मारे, उसके अंदर है मारे। क्यों मारे? केवल यही कह रहे थे बस सीधे बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, हमसे कुछ न कुछ। अरे भैया ऐसा नहीं है, पूरी तरह से गुंडा राज है। किस काम के लिए बुलाए गए? 23 तारीख को मारे हम का सत्य। हमारा सालों से जो है लिए पड़े कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जो है 30-35 पुलिस वाले आज तक मेडिकल नहीं होने दे रहे हैं। तुमको एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। विभागीय लोग सब मिलकर के मारे, वहीं जो बैठे हुए हैं। अभी समय कहाँ पर है? क्या नाम आपका? यह प्रतापगढ़ में शिवरन सिंह। शिवरन सिंह कहाँ तैनात है? शिवरन यह पुलिस लाइन में है। पुलिस लाइन में? जी हाँ। बहुत बड़ी कंपटीशन है इन लोगों की भैया।